मायूष एक मजार, आप देख रहे हैं AHN न्यूज, आपका वक्त आपकी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। 12वीं सालाना मरकजी मिलाद जुलूस मुनक्किद किया गया। तफसीलात के मुताबिक खादरी चमन फलकनुमा पर मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से मिलाद मार्शल प्रोग्राम किया गया। इस प्रोग्राम में पुलिस ऑफिसरांस की गुलपोशी की गई और इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए सैयद शाह मुर्तजा पाशा साहब ने कहा, पीस अमन व शांति के साथ पीस रैली निकाली जाएगी। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब सैयद शाह बाखर हुसैनी अली, जनाब अब्दुलरहमान कारपोरेटर, जनाब समद बिन अब्दाद एक्स कारपोरेटर, पुलिस डिपार्टमेंट के जनाब के बाबूराव DCP ट्रैफिक, जनाब सैयद रफीक अडल DCP साउथ जोन, ACP फलकनुमा चारमीनार मीर चौक और दीगर SHOs भी इस मिलाद मार्शल प्रोग्राम में शरीक हुए। आइए देखते हैं AHN न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ की ये रिपोर्ट। आप सबसे शुक्रगुजार हूँ। लास्ट ईयर भी मैं था, ये साल भी हूँ, इंशाल्लाह हो सकता फिर साल भी रहूँगा। वो पानी मिलाद जुलूस वो मोहतरम बाबू वो तमाम पुलिस अहदेदारान और सुन्नी यूनाइटेड फोरम के जिम्मेदारान मुस्तफा पाशा साहब, अली पाशा साहब, वहीद पाशा, मुझे यहाँ पर अल्लाहु मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम आलम की सारी मखलूक़ात को आमद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ और सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया एक अज़ीमुश्शान तारीख़ी आर्गनाइजेशन है सुन्नी मुसलमानों की, जो मीराद पाक के मौके पर एक अज़ीमुश्शान मुल्क के तारीख़ी जुलूस का अहतमाम करती है जिसका नाम पीस रैली के नाम से मुनक्किद होता है, जिसके फाउंडर हज़रत उलमा मौलाना सैयद शाह औलिया हुसैनी साहब क़ायद अहले सुन्नत नबीर शेखुल इस्लाम इसके बानी हैं। और इस जुलूस को हमेशा की तरह नबीर शेखुल इस्लाम सज्जाद नशीन खादरी चमन हज़रत सैयद इब्राहिम हुसैनी साहब अलमारूफ व सज्जाद पाशा साकुल्ला झंडी दिखाकर इसका आगाज़ करते हैं और मौलाना सैयद शाह कबूल पाशा खादरी व शुतारी साहब की दुआ होती है और कई मामिन तंजीमें जो इस सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया से मुंसलिक हैं करीब 150 से 200 बल्कि उससे भी बढ़कर सारे तंजीमों की एक मरकज़ी तंजीम है सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया। तो हमारी ख्वाहिश है अब ये 12वां जुलूस है आख़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक के मौके पर जो पीस रैली के नाम से मुनक्किद होता है, क्योंकि आख़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद ही कायनात अवालम में अमन शांति की तबलीग और अमन शांति का हुक्म देना और अमन शांति को कैसे बरकरार रखना, आखा खुद प्रैक्टिकल जो है अमल करके बताएं। तो बस हमारी ये ख्वाहिश है दूसरे बरादरान वतन से भी और बल्कि बिलखसूस पुलिस अहदेदारों से और दानिश्वरान मिल्लत से भी कि जुलूस का कोई मज़हब नहीं होता बल्कि हर मज़हब मानने वाला किसी ना किसी अंदाज़ के जुलूस का अहतमाम ज़रूर करता है, कोई भी मज़हब का मानने वाला, मगर जुलूस का कोई मज़हब नहीं होता। जुलूस एक खुशी के इजहार के लिए होता है या तो फिर बरहमी के इजहार के लिए होता है या ताकत के मुजाहरे के लिए होता है, डिमांड्स पूरे करने के लिए पूरे करवाने के लिए जुलूस का होता है। जैसा आजकल